हेलो एवरीवन आई वेलकम यू बैक टू द चैनल सिविल स्पॉटलाइट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज दिस इज लेक्चर फाइव पार्ट एट सो बिफोर बिगनिंग दिस इज ऑल अबाउट मी आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेट्स बिगिन आर लेक्चर ट्रैफिक स्टडीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रैफिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लो देखा स्पीड ऑफ स्ट्रीम देखी और साथ में देखी डेंसिटी अब ये चीज समझने के बाद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ट्रैफिक डिज़ाइनर के माइंड में रहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल ऑन अ पर्टिकुलर रूट या पर्टिकुलर रोड तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट आया कैपेसिटी स्टडीज़ का <coughs> तो ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज क्या हैं और इसके किस तरीके से फॉर्मूले और इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है वो देखते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रैफिक कैपेसिटी को ऑब्वियसली सो ट्रैफिक कैपेसिटी सबसे पहला क्वेश्चन की है, क्या है तो ट्रैफिक कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स वर्ड्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना ऑल मैंने लिखे भी हैं चीजें बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स डेट कैन पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम इन अ लेन यानी कि एक तरीके से जो मैक्सिमम फ्लो है उसी को हम कैपेसिटी कह रहे हैं और ये बात यहाँ लिखी भी है मैंने कैपेसिटी इज मैक्सिमम फ्लो और इसको डिनोट किससे करते हैं क्यू मैक्स इसलिए ब्रैकेट डाल के ये सिंबल है इसको मल्टीप्लीकेशन मत समझ लेना क्या मैक्सिमम फ्लो इनटू समथिंग दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ओके okay. so, इसकी यूनिट क्या हुई यूनिट इज व्हीकल पर आर पर लेन दिस इज द यूनिट ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी या फिर आप कह सकते हैं व्हीकल पर डे पर लेन यानी कैपेसिटी में डेफिनेशन समझाते ही मैंने दो तीन वर्ड पर फोकस कर रहा था एक तो मैक्सिमम दूसरा है लेन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट आर पर यूनिट लेन जब भी कैपेसिटी की बात होगी समझ जाना एक लेन की बात हो रही है अगर एक रोड में दो लेन है तो उसको डिवाइड कर लेना दो पार्ट्स में कि हाँ भाई इसका अलग इसका अलग तो लेन को दो पार्ट हो मतलब एक रोड पे दो लेन हो, तो हो गई तो ट्रैफिक भी पर लेन में डिवाइड हो जाएगा ठीक है सर या आ गई तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी का एक होती है बेसिक डेफिनेशन और एक होता है पूरा कंसेप्ट और कैसे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बेसिक कैपेसिटी क्या है तो व्हाट इज बेसिक कैपेसिटी बेसिक कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ पॉइंट ऑन अ लेन ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग वन आवर ठीक है इन आइडियल ट्रैफिक कंडीशन आइडियल ट्रैफिक सिचुएशन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ व्हीकल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट आर पर यूनिट लेन किसमें आइडियल सिचुएशन में उसको कहते हैं बेसिक कैपेसिटी ठीक है तो और कोई भी है बिल्कुल है जैसे कि पॉसिबल कैपेसिटी अब ये क्या चीज है पॉसिबल कैपेसिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग वन आवर सबकी सब वन आवर जा रहे हैं ये टाइम कितना है वन आवर यहां पे भी वन आवर ओके पर यूनिट लेन एक लेन की बात हो रही है इन प्रिवेलिंग ट्रैफिक कंडीशन यानी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कंडीशन में मैक्सिमम कितने पास कर सकते हैं वो तो चला गया सर पॉसिबल कैपेसिटी में और आइडियल कंडीशन में कितने पास कर सकते हैं जरूरी थोड़ी अभी जो एक पर्टिकुलर रोड है उस पर आइडियल कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ही हो उस पर कोई दूसरी कंडीशन एक रियलिस्टिक ट्रैफिक सिचुएशन हो सकती है तो आइडियल वाला बन गया बेसिक और एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग वाला बन गया पॉसिबल कैपेसिटी अब इस चीज़ से यह भी समझ में आता है ट्रैफिक कंडीशन रीचेज आइडियल कंडीशन पॉसिबल कैपेसिटी कैन बी इक्वल टू बेसिक कैपेसिटी बिल्कुल अगर एग्जिस्टिंग ट्रैफिक सिचुएशन आइडियल हो गई तो बेसिक कैपेसिटी बन जाएगा और ये भी हो सकता है कि पॉसिबल प्रिवेलिंग कंडीशन जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है रोड की उसमें कंजेशन लगा हो जाम लग गया हो रोड के ऊपर अगर रोड के ऊपर जाम लग गया है तो क्या उसके ऊपर कोई भी व्हीकल पास हो पाएगा नहीं पॉसिबल तो कैपेसिटी इसका मतलब बेसिक कैपेसिटी से लेकर जैम कंडीशन तक की कहानी को बयान करता है देखा एक डेफिनेशन हो गई अब उसको याद कैसे रखा जाए इन छोटी छोटी चीजों से याद रखा जाता है इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए यहां पे मेंशन करता रहता हूं इससे आसानी से आप लोगों को याद रहे तो बेसिक कैपेसिटी भी हो सकता है वो और जैम भी हो सकता है ठीक है तो पॉसिबल कैपेसिटी प्रिवेलिंग ट्रैफिक कंडीशन हो गई तो फिर हम कौन सी यूज़ करें या ट्रैफिक इंजीनियर डिज़ाइन के लिए कौन सी कैपेसिटी यूज़ करेगा तो उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी ठीक है इसकी डेफिनेशन बताई जाए फिर डेफिनेशन है मैक्सिमम देखो हर जगह वही चल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ओके ड्यूरिंग वन आवर एक घंटे में विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बींग ऑन जैम कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइवर्स फ्रीडम टू मूवमेंट अंडर एग्जिस्टिंग ट्रैफिक सिचुएशन सिंपल सीधी बात है प्रैक्टिकल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसके अंदर ड्राइवर एक रोड के ऊपर फ्रीली अपनी गाड़ी को मनोवर कर सके यानी कि जब हम देखते हैं मल्टी लेन रोड में क्या होता है अपन दूसरी लेन में शिफ्ट करके एक्सिलेट करके वापस अपनी लेन में आ जाते हैं ये कारनामे करते ना तो ये काम करने को मिले और साथ में जो कंडीशन है एग्जिस्टिंग ट्रैफिक सिचुएशन की वो कंजेशन वाली ना हो यानी कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन ना हो व्हीकल के मूवमेंट पे कि आपको बस एक के पीछे एक ही चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है हमें कैसे चाहिए हमें ऐसा नहीं कि खाली रोड चाहिए खाली रोड तो आइडियल हो गई हमें ठीक ठीक रियल ट्रैफिक सिचुएशन चाहिए और ऐसे चाहिए कि हमारे व्हीकल जो है वो इजीली दूसरी लेन में जाए एक को ओवरटेक करे और वापस अपनी लेन में आ जाए तो दैट इज मोर प्रैक्टिकल काइंड ऑफ रियलिटी तो वो हो गई प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटी ही बेसिकली डिज़ाइन कैपेसिटी है अब हम लोग यहाँ पे पॉसिबल कैपेसिटी को तो ले नहीं सकते हो सकता है अभी आधे घंटे पहले एक रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था अच्छी खासी डेंसिटी uh, और क्यू uh, चल रहा था बट अचानक वहाँ पे ऑफिस हार शुरू हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश आने लग गया तो वहाँ पे जैम जैसी कंडीशन हो गई अब यार इस केस की वजह से ही पॉसिबल कैपेसिटी को हम लोग डिज़ाइन कं कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं <coughs> अब बात करते हैं बेसिक कैपेसिटीज़ की अब इससे बनाओगे रोड के ट्रैफिक को डिज़ाइन करोगे तो ऑब्वियसली रियल लाइफ में फेलियर तो फेस करना ही पड़ेगा ट्रैफ़िक इंजीनियर को तो ट्रैफिक इंजीनियर क्या मानेगा ना तो कंडीशन में जैम है और ना ही ऐसा है कि आइडियली पूरी रोड खाली मिल रही है ठीक ठीक ट्रैफिक मिल रहा है उसमें ठीक ठीक मनोवर्स करके ड्राइवर निकल जा रहा है तो डिजाइन कैपेसिटी भी बता दी अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और डेफिनेशन हैं जो हमें पता होनी चाहिए और इनका ग्राफ ही समझ के हमें आगे कैपेसिटीज को मैथमेटिकली समझने में आसानी होगी तो चलो देखते हैं ये क्या चीज़ है तो वो है एक स्पेस हेडवे और एक टाइम हेडवे स्पेस हेडवे क्या है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ टू सक्सेसिव व्हीकल्स देखो ये व्हीकल है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है या डिस्टेंस के फॉर्म में उसे क्या कह रहे हैं स्पेस हेडवे टाइम हेडवे क्या है टाइम डिफरेंस बिटवीन द फ्रंट ऑफ टू सक्सेसिव व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट गेटिंग माई पॉइंट यानी के एक पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है इसके ऊपर से ए व्हीकल पास करेगा जैसे इसका बोनट यहां होगा हम टाइमर को स्टार्ट कर देंगे तो जो बी वाला व्हीकल है जब इस लाइन को क्लियर करेगा तो हम टाइमर को स्टॉप कर देंगे और हम इस टाइम को देख लेंगे तो ये जो टाइम मिलेगा वो क्या है टाइम हेडवे है तो टाइम हेडवे क्या हो गया टाइम डिफरेंस की फ्रंट के जो दोनों के सक्सेसिव व्हीकल्स हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं अब बात करते हैं स्पीड स्पेसिंग एंड टाइम हेडवे रिलेशन को स्पीड स्पेसिंग एंड टाइम हेडवे रिलेशन अब ये क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है सपोज करो कि दो व्हीकल्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो इनके बीच में पहले अपन स्पेसिंग की बात करते हैं यानी कि स्पेस हेडवे की बात करते हैं अगर आपकी ट्रैफिक स्ट्रीम की स्पीड कम है देखो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव है तो स्पेसिंग क्या है काफ़ी कम है <coughs> ये लेफ्ट में जो दिख रहा है ये स्पेसिंग है इधर अभी राइट में मत जाना ये टाइम के लिए ये टाइम हेडवे है मिनिमम हेडवे इधर स्पेसिंग की बात हो रही है तो ये स्पेसिंग कम है देखो अब फोर्टी किलोमीटर पर आर पर पहुंच गया स्पेसिंग थोड़ी और बढ़ गई सिक्सटी पे और ज़्यादा बढ़ रही है एट्टी पे और ज़्यादा बढ़ रही है अबाउट नाइन्टी के आसपास देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग हो गई है यानी कि ये ऑब्वियसली आप ट्रैफिक के अंदर एक नॉर्मल रोड पे भी देख सकते हो जब बहुत हाई स्पीड पे व्हीकल्स चलते हैं तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि ब्रेक लगाने पड़ेंगे तो एक्सीडेंट ना हो जाए ड्राइवर इस चीज़ को अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर में लेके चलता है तो इस वजह से विद इनक्रीज़ इन स्पीड हम कह सकते हैं जो स्पेस हेडवे है या स्पेसिंग जो है व्हीकल्स की वो क्या हो रही है बढ़ रही है बट व्हेन इट कम्स टू टाइम हेडवे जो यहाँ पर सिर्फ हेडवे के नाम से लिखा हुआ है मिनिमम हेडवे इसके साथ ऐसा नहीं है जब बहुत ही धीरे धीरे चल रहे होते हैं तो टाइम हेडवे काफी ज्यादा होता है टाइम हेडवे का क्या था वो दोनों फ्रंट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होने चाहिए पास होने चाहिए तो ऑब्वियसली अगर व्हीकल्स बहुत धीरे चल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से काफी धीरे धीरे पास होंगे ये पॉइंट सही है जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम हेडवे घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा बट एक पॉइंट आएगा उसके बाद वो हल्का सा ही बढ़ता है और ऑलमोस्ट उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है यानी कि हाई स्पीड पर टाइम हेडवे जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है ज़्यादा कम भी नहीं है मतलब सबसे कम एक ऑप्टिमम स्पीड पे आपको देखने को मिल रहा है नियर अबाउट आप कह सकते हो 50 किलोमीटर पर आर यहाँ ग्राफ के अंदर सबसे मिनिमम टाइम हेडवे फिर से टाइम हेडवे देखो हल्का सा बढ़ा इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया थोड़ा सा ही चेंज आया है बट जब व्हीकल्स बहुत धीरे चल रहे हैं तब सबसे ज़्यादा टाइम हेडवे वही रीज़न है कि फ्रंट टू फ्रंट में कितना टाइम लग रहा है अब ये बताने का कारण ये है कि क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है अगर स्पीड बढ़ाओगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी क्या हाँ और अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम हेडवे बढ़ेगा क्या हाँ टाइम हेडवे पहले डिक्रीज़ होगा फिर ऑलमोस्ट बहुत ही कम रेट से बढ़ेगा या अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट जैसा हो जाएगा ये आंसर है उस चीज को समझाने के लिए ही मैंने देखो ये ग्राफ आपको लोग के यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो गेट इंजीनियरिंग सर्विस और एम एस एस में मिलने वाले हैं वो आएंगे थ्योरिटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी में कहाँ से बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला से तो सबसे पहले जैसे कि हम समझ चुके हैं कि स्पेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और एक हेडवे का पॉइंट ऑफ व्यू है हम स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी का फॉर्मूला देखते हैं स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं सी से जो ये डिनोट किया हुआ है सी इज इक्वल्स टू ये बेसिकली है कैपेसिटी और कैपेसिटी क्या है हमारी मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल अब या तो ये कौन सी होगी आइडियल सिचुएशन हो सकती है या प्रिवेलिंग सिचुएशन हो सकती है हम यहां पे जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कौन सा है आइडियल आइडियल यानी कि कौन सी चीज होने वाली है बेसिक कैपेसिटी ओके सो सी इज इक्वल टू वन थाउजेंड इन टू वी डिवाइडेड बाई एस ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे सिंबल से वी इज द स्पीड S इज द स्पेसिंग स्पेसिंग ऑफ व्हीकल अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप ये देख सकते हैं स्पीड जो डालनी है वो किलोमीटर पर आवर में डालनी है इसलिए थाउजेंड डाल दिया ना एक्चुअली क्या रहा होगा वी जो कि किलोमीटर पर आवर में है स्पेसिंग मिलेगी मेरे को मीटर में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किलोमीटर में तो डिवाइड बाय थाउजेंड थाउजेंड ऊपर पहुंच गया थाउजेंड वी बाय एस ये कंसेप्ट है फॉर्मुले का एंड किस में रहेगी यूनिट नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर इन सिंगल लेन इसलिए पर यूनिट लेन लिख रहा हूँ बार बार और बार बार बोल भी रहा हूँ कि दिमाग में घुस जाए ठीक है सी क्या है एस क्या है सॉरी सी तो हो गया कैपेसिटी एस इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल ठीक है ये किस में रहेगा मीटर्स में हमें यहां इस फॉर्मूले में किस में डालना है मीटर्स में ओके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स वन व्हीकल व्हीकल्स फॉलो ईच अदर इन अ क्यू और स्पेस हेडवे मतलब व्हीकल एक के पीछे एक जब जा रहे हैं तो इनके बीच में या तो फ्रंट टू फ्रंट ले सकता हूं या सेंटर टू सेंटर ले सकता हूं आएगा तो वो एस ही यार बराबर ही आएगा सो दैट थिंग इज हियर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज़ी हो जाता है हमको वो समझना तो एस को हम कह सकते हैं अब ध्यान से देखा जाए तो ये दो व्हीकल हैं जो आपस में एक के पीछे एक चल रहे हैं से तो इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखी जाए तो ये एल बाय टू है ये एल बाय टू हो जाएगी अगर लेंथ ऑफ व्हील बेस को एल मान लूम मैं साथ में ये सेफ डिस्टेंस भी आएगा ओके सो एल बाय टू और एल बाय टू कितना हो गया एल तो एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल समझ रहे हो ये कहां से आ रही है ये चीजें भी समझा रहा हूं प्लस क्लियर स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स तो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स ये हो गया इसका बैक और इसका फ्रंट और सेंटर टू सेंटर है इसलिए एल बाय टू एंड एल बाय टू तो इस फॉर्मूले का एक तरीका क्या है जो क्लियर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए जब एक के पीछे एक चलता है तो आईआरसी कोड ने क्या बताया हुआ है ड्राइवर जो है अटेंटिव हो जाता है तो उसका रिएक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाता है कितना कम पॉइंट सेवन सेकेंड्स तो टाइम इंटू स्पीड क्या बन गया डिस्टेंस ठीक है तो टाइम इंटू जो भी स्पीड हमारे व्हीकल का उससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस लेंथ एल एल कैसे आई एल बाय टू इधर और एल बाय टू इधर हो गया सर स्पीड यहाँ किस किसमें डालनी है इसमें जब एस आप निकाल रहे हो मीटर्स में तो स्पीड भी भाई मीटर में ही डालना मीटर पर सेकंड में सॉरी मीटर पर सेकंड में स्पीड डालना ओके एक तरीका तो ये हो गया जब व्हीकल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं एक दूसरा भी हो सकता है वह स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ एल जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को फॉलो कर रहा है जैसे ही आगे वाले व्हीकल ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए पीछे वाला व्हीकल उसे देख के लगाना स्टार्ट करेगा तो उसके और आगे वाले के और पीछे वाले के बीच में कम से कम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो और सेंटर टू तो सेंटर करना है तो हम समझा रहे हैं प्लस एल ओके सो एस एस टी इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एल इज द व्हील बेस लेंथ व्हील बेस लेंथ और अगर ना गिवन हो मैं चीखता रहा हूँ अपन जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ रहे थे कितना लेना है सिक्स मीटर्स कितना लेना है सिक्स मीटर क्यों क्योंकि तो कमर्शियल व्हीकल की व्हील बेस लेंथ कितनी होती है सिक्स मीटर्स होती है ये तो हो गया स्पेसिंग के बे में स्पेसिंग के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन तो अपने को ये यूज करना है अब टाइम हेडवे के फॉर्म में दे तो सिंपल सा फॉर्मूला है थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई एच टी एच टी क्या है टाइम हेडवे किस में सेकेंड्स में कैपेसिटी इज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आर पर यूनिट लेन दैट इज थर्टी सिक्स हंड्रेड एच टी अब इसके कुछ क्वेश्चन है ऑन अ हाईवे इन अ लेन इसने खुद ही बता दिया एक लेन है व्हीकल इज मूविंग एट फोर्टी किलोमीटर पर आर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ट्वेंटी मीटर्स एंड एवरेज लेंथ इज इक्वल्स टू फाइव मीटर वॉट इज द बेसिक कैपेसिटी ऑफ द लिंक अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है जैसे यहाँ तो साफ साफ लिख दे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये तो अपन ये वाला फार्मूला लेंगे आपको क्वेश्चन में समझना है अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं दिया है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लेंगे जो मैंने हमार्क कराया आपकी स्क्रीन पर तो यहां पे हमें दे दिया स्पीड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 20 मीटर और एवरेज लेंथ ऑफ व्हील बेस गिवन है 5 मीटर कर देते हैं सी इज़ इक्वल्स टू थाउजेंट इंटू वी बाय एस या तो ये लेना है ये या यहाँ लेना है अपने को क्या लेना पड़ेगा क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन है तो ट्वेंटी प्लस फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी किलोमीटर पर आर सिक्सटीन हंड्रेड व्हीकल पर आर पर लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है पर लेन यहीं मैं फंसा सकते हैं लोग चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अ सिंगल लेन यूनिडायरेक्शनल हाईवे हैज अ डिजाइन स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आर यानी कि वी की मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई है डिजाइन स्पीड को ही ले लेंगे अपन गिवन ट्रैफिक फ्लो स्पीड ठीक है क्योंकि वो गिवन नहीं है तो हम डिजाइन स्पीड को ही मान लेते हैं द परसेप्शन सॉरी ब्रेक रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.5 पॉइंट फाइव सेकेंड एंड द एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल इज 5 मीटर्स ओके एल की वैल्यू 5 की वन है और रिएक्शन टाइम 2.5 पॉइंट फाइव सेकेंड की वन है द कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ऑफ पेमेंट इज 0.4 पॉइंट फोर द कैपेसिटी ऑफ रोड इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आर पर लेन इज ओके नो प्रॉब्लम म्यू दे दिया टाइम दे दिया अपन को तो कैपेसिटी पता है पर लेन है ना पर टाइम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आ तो थाउजेंड वी एस अब एस की वैल्यू क्या लोगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस एल लेंगे क्योंकि उसी की तरफ इशारा कर रहा है वी इन टू टी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी एफ से तो अपन निकाल लेंगे क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इसमें ऐड कर देंगे व्हील बेस की लेंथ तो यह हो गया वी तो हमको गेवन था सिक्सटी फाइव तो यह आ गया हमारी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी कितनी हुई सेवन वन टू व्हीकल्स पर लेन इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है इसलिए इसको थ्योरिटिकल बोलते हैं प्रैक्टिकली यहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे हम चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी टाइम की फॉर्म में दिखा देता हूँ इन अ वन लेन वन वे होमोजीनियस ट्रैफिक स्ट्रीम द ऑब्जर्वड एवरेज हेडवे इज थ्री सेकेंड द फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज बहुत आसान सी इज़ इक्व टू थर्टी सिक्स हंड्रेड बाई एच टी और एच टी किस में होता है सेकेंड्स में यहाँ क्या वन है टाइम हेडवे वे थ्री सेकेंड्स रख दिया ट्वेल्व हंड्रेड व्हीकल पर आर पर यूनिट लेन तो जैसा मैं आपको कहता हूँ हर बार मैं हर टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा कईयों में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो आपको डायरेक्ट दे, दे देगा तो उसको यूज़ कर लो वो चाहेगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल देगा इनडायरेक्टली आपसे म्यू जी एफ वगैरह ये सब देके कर लेना एक ये टाइम वाला क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहता हूं फाइंड द बेसिक कैपेसिटी ऑफ रोड विद डिजाइन स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आर फॉर व्हीकल्स ऑफ बेस लेंथ सिक्स मीटर बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है अपने को जैसी बेसिक कैपेसिटी मिल रही है फॉर्मुले पर टूट के पड़े सी इज इक्वल्स टू थाउजेंड वी बाय स्पेसिंग वी तो पता है हमको हंड्रेड किलोमीटर पर आवर रख दिया स्पेसिंग तो नहीं पता अब हम क्या करेंगे यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का तो हम क्या ले लेंगे 0.7v पॉइंट सेवन एल तो जीरो पॉइंट सेवन वी किलोमीटर पर आर में था इसको मीटर पर सेकेंड में कर लिया पॉइंट टू सेवन सेवन से मल्टीप्लाई करके और व्हील बेस लेंथ कितना है सिक्स सो इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री नाइन सो आई एम गेटिंग दिस मच दिस इज थ्री नाइन थ्री नाइन व्हीकल्स पर आर पर यूनिट लेन सो so गाइज मेरी साइड से था और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन कैपेसिटी और लेवल ऑफ सर्विस पर देखेंगे क्योंकि इसमें करूँगा तो, इस तो ज़बरदस्ती ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो नेक्स्ट में हम लेवल ऑफ सर्विस और डिज़ाइन कैपेसिटी देखेंगे और साथ में मैं एक रिमाइंड करा दूँ वापस से जब भी कोई बोले ट्रैफिक कैपेसिटी समझ जाना वो थियोरिटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी की ही बात कर रहा है तो बेसिक कैपेसिटी का फॉर्मूला बाई स्पेसिंग ये है और बाय टाइम है तो क्या इस पर बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं बस बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मैक्सिमम फ्लो ही बेसिकली कैपेसिटी है कई बार वो लिख देंगे बेसिक कैपेसिटी बता दो कई बार लिख देंगे मैक्सिमम फ्लो बता दो तो ले दे के बाद वो कैपेसिटी की ही कर रहे होंगे तो बिफोर लिविंग नाउ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एफ इफ यू आर नई क्वेरी मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो साइनिंग ऑफ गॉड ब्लेस यू ऑल